जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देखेंगे सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर में विराजमान भूगर्भ से प्राप्त अतिशयकारी मनोज्ञ श्री शांतिनाथ भगवान की जिन प्रतिमा के सम्मुख 14वीं बार आयोजित 40 दिवसीय श्री शांतिनाथ महामंडल विधान के दुर्लभ दृश्य, जिसमें आचार्य चैत्य सागर जी महाराज ससंग का सानिध्य एवं मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसमें बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी के द्वारा विधान वाचन किया गया। विधानाचार्य पंडित आशीष शास्त्री जी के द्वारा इस क्षेत्र पर चतुर्दश बार 40 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान का शुभारंभ हुआ। कि मेरे मन में भी कुछ नहीं और तेरे मन में भी नहीं कुछ, इस प्रकार भावना भाते हुए हमारे मन में जैसे ही गलत क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसी टाइम है भगवान उत्तम क्षमा मेरे मन से वचन से काय से जो कोई हमारे अंदर से टूटी हुई हो, उन त्रुटियों की सब उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा करके क्षमा मावणी क्षमा पर हम बनाते हैं। श्री नरेंद्र जी स्वास्थ्य लाभार्थम आशीष जैन अनिल जैन एवं राहुल जैन अंकुर जैन स्वास्थ्य लाभार्थम दिगंबर प्रसाद जैन सरोज बाला जैन मनोरमा जैन विभव जैन साली जैन पारस जैन पूर्वा जैन नोएडा जैन श्री प्रमोद जी जैन की पुण्यतिथि में श्री मंजू जैन निर्मल कुमार जी जैन कनकमाला जैन वाकलीवाल कोटा राजस्थान नरेंद्र कुमार जैन अलवर श्री उर्मिला जैन सिद्धम जैन के जन्मदिन पर बीरनगर मेरठ आदेश जैन बीरेंद्र जैन अतिन जैन मेरठ श्री आदेश कुमार जी जैन की पुण्य स्मृति में दयाचंद कुमार जैन गणेशपुर बाराबंकी श्रीमती स्वर्णलता जैन सुनील जैन पायल जैन वैभव जैन सिद्धांत जैन आगम जैन श्री मेरठ प्रमोद जैन शशि जैन ऋषभ जैन पूजा जैन नित्या जैन प्रियांश जैन प्रेंस जैन ममता जैन हापुर श्री विक्रांत जैन के जन्मदिन पर अजीत कुमार जैन बंबई सा परिवार श्री समुद्रा जैन राजेश जैन छवि जैन अंकित जैन राशि जैन रोहितक हरियाणा नीरज जैन स्वीटी जैन बदायू श्री उमंग जैन मोना जैन रोहितक रोड दिल्ली द्वारा श्री शांति देवी जैन स्वर्गीय श्री रविंद्र कुमार जैन खिलौना वाले श्री जिनेन्द्र जैन शशि जैन दिल्ली आर्यंश जैन यश जैन दिल्ली श्री अभिषेक जैन सहारनपुर निशांत जैन मुस्कान जैन वामसी जैन जयंश जैन फरीदाबाद श्री नितिन जैन दीप्ति जैन बेबी जैन दिया जैन श्री गुरुराम हरियाणा श्री अनायसा जैन तनु जैन अनंत जैन आनंद जैन पीतमपुरा दिल्ली मुकुल जैन ममता जैन स्तुति जैन श्रुति जैन साप परिवार रुड़की सिमरन जैन सिद्धार्थ जैन गाजियाबाद अर्पिता जैन नमन जैन मनन जैन बीरनगर मेरठ श्री संतोष जैन चंदा जैन सोनू जैन रश्मि जैन रिया जैन श्री रोमी जैन सीओरा सागर श्री नितिका गोयल सा परिवार रोहिणी दिल्ली नितिन जैन निधि जैन उत्कर्ष जैन गंगा विहार दिल्ली मुकुल जैन ममता जैन स्तुति जैन श्रुति जैन बर्तन वाले रुड़की श्रीमती रीना जैन राकेश जैन अजमेरा राजस्थान श्री सुमत प्रसाद जी जैन दिल्ली रोड मेरठ गुप्तदान श्री नितिन जैन निधि जैन उत्कर्ष जैन दिल्ली श्री बिमल प्रसाद जैन दर्शनी जैन मुकेश जैन कमल जैन राजेश जैन दिनेश जैन शुभम जैन सम्यक जैन
सी नोएडा, सी संजीव जैन, महक जैन, वर्षा जैन दिल्ली, निर्मल कुमार जी जैन, मंजू जैन, आकाश जैन, प्रीति जैन कोलकाता, विशाल जैन, मनीषा जैन, सुशीला जैन, वंश जैन, दिव्यांशी जैन, मेरा श्री बाबू राम जैन, श्रीमती सेवती देवी जैन, श्रीमती धनसवाला जैन की पुण्य स्मृति में श्री मोतीलाल जैन, सुधीर जैन, रजनी जैन, प्रेमला जैन, सापरिवार लंदन निवासी हस्तनापुर सापरिवार से श्रीमती रमा जैन की पुण्य स्मृति में रमेश चंद जैन, पंकज जैन, प्रीति जैन, देवांशु जैन, ईसु जैन, पालम कॉलोनी दिल्ली निवासी सापरिवार से श्री अनिल कुमार जैन, श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री दिगंबर जैन, तीर्थ क्षेत्र कमेटी हस्तनापुर, नीरज जैन, अमरीश जैन, सराब सापरिवार, धर्म कुटीर, शांति नगर, मेरठ सापरिवार से श्रीमती फूलवती जैन, मातेश्वरी श्री विजय कुमार जैन, बैंक वाले श्रीमती चक्री जैन, संजय जैन, श्रीमती पूनम जैन, स्तुति जैन, श्री राजीव जैन, रीना जैन, अंकिता जैन, वरुण जैन, सुरभि जैन, हर्षित जैन, वंदिता जैन, पारस जैन, रिद्धिमा जैन, संगीता जैन, संजय जैन, अमन जैन, वत्सल जैन, आनंदपुरी रेलवे रोड मेरठ सापरिवार से श्रीमती पदम श्री जैन, मातेश्वरी श्री राजेंद्र कुमार जैन, गैस वाले सुमन जैन, सम्य जैन, जैन मंडी मवाना सा परिवार से श्रीमान पंकज जैन, चेयरमैन पारस चैनल दिल्ली निवासी सा परिवार से श्री सुशील जैन, सुशीला जैन, पुत्रियां श्रीमती स्वप्निल जैन, श्री विकास जैन, स्वाति जैन, श्री वैभव जैन, तारा जैन, देव जैन, चीनी जैन, मोदी नगर सा परिवार से श्री रवि जैन, श्रीमती सुषमा जैन, निखिल जैन, रीतिका जैन, निर्वाण जैन, प्राची जैन, दिशा जैन, अतिशय जैन, राजनगर गाजियाबाद सा परिवार से श्री पवन कुमार जैन, श्यामा जी, रजनी जैन, अजय जैन, रूपाली जैन, राहुल जैन, वैशाली जैन, नव्या जैन, प्रियांशी जैन, बत्सल जैन, देवांश जैन, सदर सराफा बाजार मेरठ सा परिवार से श्री संजय कुमार जैन, रेणु जैन, आनंद विहार दिल्ली निवासी सा परिवार से श्री राजीव जैन, श्रीमती निशा जैन, सागर जैन, नेहा जैन, साहिल जैन, आदविक जैन, मवाना वाले मेरठ सा परिवार से श्री राजीव कुमार जैन, गैस वाले स्वर्गीय श्री जितेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती यशोदा देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री राजीव कुमार जैन, श्रीमती रीना जैन, श्री चंद्र प्रकाश जैन, राजेंद्र कुमार जी जैन, सुति जैन, प्राची जैन, श्रेया जैन, सहारनपुर निवासी सा परिवार से किसको मैं अपना कहूं, कोई नजर आता से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। जब सामने वाला आग बन जाए, जब सामने वाला आग बन जाए, तुम बन जाना पानी, क्योंकि क्षमा सुख का सागर है। हे एक गुरुवर विद्या सागर की वाणी, आज हम क्षमा पर समझेंगे तो मनोमालिन्य को धोने का नाम क्या है? क्षमा। क्या मनोमालिन्य को धोने का नाम क्षमा है? अंतरंग आत्मा में लगी हुई जो द्वेष की कणिकाएं हैं, उनको प्रक्षालित करने का नाम क्षमा है। और जो आपने अपने आप में एक गांठ बांध रखी है, किससे? दूसरे से। उस गांठ खोलने का नाम है क्षमा। लेकिन एक बार जो गलती करता है वो अजान होता है, और दो बार जो गलती करता है वो नादान होता है, तीन बार जो गलती करता है वो शैतान होता है, और बार बार गलती करने पर भी जो क्षमा करता है वो हिंदुस्तान
होता है। और अपन कहाँ रह रहे हैं? वही रह रहे कि नहीं? तो कहते हैं यदि हमने इसको अपने जीवन में नहीं अपनाया तो हमें द्वेष के कारण, क्रोध के कारण कहाँ जाना पड़ेगा? या तो नरकों की यात्रा करना पड़ेगी, और यदि वहां से भी बच गए तो सर्प और नेवला में बैर होता है, क्योंकि ये तो परस्पर का मिलना है, तो वहां जाना पड़ेगा। और यहाँ वहां भी नहीं गए, कुछ थोड़ा अच्छा भी कर लिया तो देवों में भी पहुंच गए। तो कहते हैं बिना माचिस के आग लगाने वाले भी होते हैं, वो कौन होते हैं? असुर कुमार जाति के देव। वो देवगति में तो पहुंच गए, लेकिन वहां जाने के बाद में भी उनकी प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। आता क्या? कहते उनकी प्रवृत्ति में नहीं, तीसरे नरक तक वहां भिड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। और यदि नरकों में पहुंच गए तो फिर वहां पर की तो उस द्वेष बुद्धि के कारण विक्रिया के माध्यम से क्या क्या बनते हैं? कभी तलवार के रूप में सेमर के वृक्ष बनते हैं, कभी उबलती पीप के रूप में नदी का पानी बनते हैं, कभी खून के रूप में उबलते उगे खून का पानी बनते हैं, और आपस में क्या करते रहते हैं? कितने सागर तक? 33 सागर तक। और उन 33 सागर तक यही जीव है, वहां पर आपस में एक ही काम है। क्या काम है? बस झगड़ना, बस बिगड़ना, एक ही काम। और यदि यही प्रवृत्ति आई तो मनुष्य आयु की है, लेकिन गति का, चारों गतियों का मनुष्य गति में उदय होता कि नहीं होता? और यदि जिनकी प्रवृत्ति द्वेष की लगी हुई है, वातावरण को गंदा बनाने की प्रवृत्ति है, तो नियम से समझ लेना क्या है। माहौल को यदि खराब करने की प्रवृत्ति है, दूसरे का सुख नहीं देखा जाता यदि ये प्रवृत्ति है, तो आचार्य कहते हैं हम नहीं, आचार्य कर्म कांड में कहते हैं नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती कि उनका नरक गति का उदय चल रहा है। यदि कहीं द्वेष बुद्धि आती है तो किसके माध्यम से आती है? वचनों के माध्यम से आती है। इसीलिए इस क्षमा को समझते हुए हमें अपने जीवन को महान बनाना है, ताकि हमें जो नर से नारायण का हमारा रास्ता प्रशस्त हो सके। बोलो शांतिनाथ भगवान की। हमने श्री विजय प्रकाश की अध्यक्षता में, दीदी सुनीता दीदी की अध्यक्षता में और आशीष जैन की अध्यक्षता में हमने 9-10 दिन शांति विधान किया। हमें बड़ी शांति प्राप्त हुई और हमारा रोम रोम पुलकित हुआ। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। हम यहाँ पर 10 लक्षण पर्व मनाने के लिए आए थे, और दर्शन पर लक्षण पर्व में हमें इतना अच्छा लगा कि मन ही नहीं कर रहा कि घर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से विधान हुआ है। और बहुत अच्छी तरह से अपने सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी यहाँ पर एक विधान की स्वीकृति अवश्य दें और अपने पापों का प्रायश्चित करें। मैं शांति विधान में 3-4 साल से जुड़ा हूँ, और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जो इस विधान में भाग लेता है उसको शारीरिक कष्ट व पारिवारिक कष्ट कुछ भी नहीं होगा, उसको सब तरह से शांति मिलेगी, घर में कोई भी दुख नहीं होगा, सब कार्य पूर्ण होंगे। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ एक विधान कम से कम जरूर कराएं। नमो अरि हंताड़म, नमो शीदाड़म, नमो ऐरिया, नमो जायड़म, नमो लोय शबिशण, ऐसो पंच नमो यारो सब पाप पड़ासड़ो मंगला रंचे सब बेसे प्रभम होए मंगे। किसको मैं अपना कहूँ, कोई नजर आता नहीं।
परमेश्वर